नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी आज की चर्चा का विषय है थाट। थाट किसे कहते हैं, थाट क्या होता है, इसमें लगने वाले स्वर कौन से हैं, इनके लक्षण क्या है, इन सभी विषयों पर आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से लेकर अब तक रागों को वर्गीकृत करने की प्रथा चलती चली आ रही है। रागों को वर्गीकृत करने के कई वर्गीकरण माने गए हैं, जैसे जाति के आधार पर, राग रागिनी वर्गीकरण के आधार पर, थाट व मेल पद्धति के आधार पर। आज बात करते हैं थाट के बारे में। थाट सितार वादकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक व्यवस्था थी, जिसे संगीत में उपयोगी मानकर राग वर्गीकरण के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। सात स्वरों के उस समूह को थाट कहा जाता है जिनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है या जिनसे राग उत्पन्न होते हैं। थाट को मेल भी कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में थाटों की संख्या घटती बढ़ती रही है, परंतु इस पद्धति को व्यवस्थित करने का श्रेय पंडित भातखंडे जी को जाता है। इन्होंने 32 थाटों को माना है व संगीत में 10 थाटों को स्वीकार किया गया है। अब बताती हूं मैं आपको थाट के लक्षणों के बारे में। थाट को गाया व बजाया नहीं जाता। थाट के जो स्वर हैं वे क्रम से होते हैं, अर्थात सारे गामा पाधनी इस क्रम में लिए जाते हैं। थाट में आरोह होता है, अवरोह का होना आवश्यक नहीं होता। एक थाट में एक स्वर का एक ही रूप प्रयोग किया जाता है, उसके दो रूप आपस में एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे कोमल रे व शुद्ध रे एक साथ नहीं आ सकता, शुद्ध मा व तीव्र मा एक साथ नहीं आ सकता, इनका एक ही रूप एक थाट में स्वीकार किया जाता है। अब मैं बताती हूँ आपको इन 10 थाटों के नाम व उनमें लगने वाले स्वर। पहला थाट है बिलावल। इस थाट में सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा थाट है कल्याण। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है व अन्य स्वर शुद्ध रहते हैं। तीसरा थाट है काफी, जिसमें गंधार व निषाद स्वर कोमल लगते हैं व अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। चौथा थाट है खमाज। इसमें कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है व अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। पांचवा थाट है भैरव। इसमें ऋषभ व धैवत स्वर कोमल लगता है व अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। छठा थाट है भैरवी, जिसमें रे ग ध नी अर्थात ऋषभ, गंधार, धैवत व निषाद इन स्वरों का कोमल रूप प्रयोग किया जाता है व अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। सातवां थाट है आसावरी। इसमें गंधार, धैवत व निषाद स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। आठवां है मारवा थाट। इसमें ऋषभ कोमल व मध्यम स्वर तीव्र प्रयोग किया जाता है तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। नवा थाट है पूर्वी थाट। इसमें रे व धा यानी ऋषभ व धैवत कोमल तथा मध्यम स्वर तीव्र लगता है व अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। हमारा आखिरी थाट है तोड़ी, जिसमें ऋषभ, गंधार व धैवत स्वर कोमल लिए जाते हैं तथा मध्यम स्वर को तीव्र प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। ये थे हमारे 10 थाट जिनमें हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पूर्ण रूप से आधारित है। थाट से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।